उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन खोखला होता जा रहा है, क्योंकि पहले चुनाव में हार की असल वजह भी भीतरी कलह को ही माना जा रहा था। और अब नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासी निराशा देखने को मिल रही है। इसी के चलते क्षेत्रीय स्तर पर संगठन की मजबूती माने जाने वाले छोटे पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने लगे हैं। लक्सर में पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र चौधरी और गन्ना विकास परिषद के चेयरमैन राजेंद्र खेड़ी ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। पार्टी छोड़ते वक्त इन नेताओं का यह कहना है कि कांग्रेस का हाल खराब हो चुका है, न कोई अनुशासन है न ही कोई संगठन नाम की चीज। पार्टी का हाल बिना दूल्हे की बारात जैसा होकर के रह गया है। वो निर्णय हमारा गलत साबित हुआ। हमें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रत्याशी अकेला चुनाव लड़ता है, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, संगठन की राजनीति हमने ज़्यादा नहीं की। हमें राजनीतिक जब भी जब चुनाव आते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए ही, चुनाव लड़वाने के लिए ही हम कोशिश करते हैं, लड़ें या लड़वाएं। लेकिन उस चीज़ में संगठन के लोग कहीं नहीं दिखाई दे तो बड़ा महसूस होता है और पीड़ा होती है। तो आज हमने ये निर्णय लिया तीनों भाइयों ने कि हम सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय को ध्यान में रखते हुए और अपने क्षेत्रीय राजनीति की, जो ग्रुप की राजनीति है हमारी, वो हमारे लिए सबसे पहले है। ग्रुप के बिना, क्योंकि हम पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं। देखिए, हमारी जो ये राजनीति है क्षेत्रीय राजनीति है, ग्रुप की राजनीति है। हम अपने ग्रुप के साथ खड़े हैं, मंच पे भी बिना मंच के भी, किसान के हित में, मजदूर के हित में जो काम होगा उसको करेंगे। निष्क्रिय होकर कभी हम काम नहीं करेंगे। कांग्रेस छोड़ दिया? बिल्कुल अलविदा कह दिया।